दोस्तों आज कांग्रेस पार्टी ने कलवा में जावेद साबिर खान साहब को एक जिम्मेदारी दी है। वहाँ के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कुछ लेके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनका जो सत्कार किया है अनीस कुरैशी साहब और नूर खतीब साहब जो है, ये एक जिम्मेदार लोग हैं और इन्होंने उनको एक सत्कार किया है और ये जिम्मेदारी उनको दी है। और कहीं ना कहीं हमने उनसे बात किया है तो ये जिम्मेदारी जो पूरे हम खरा उतरेंगे और जो मतलब कोशिश करेंगे हम इस पार्टी को और आगे से आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम कुछ नूर खतीब साहब से बात करते हैं और उसके बाद हम अनीस कुरैशी साहब से बात करेंगे और नदीम भाई से भी कुछ बात करेंगे हम। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नूर खतीब साहब से। नूर भाई, आपने इनको अभी अध्यक्ष का पद दिया है कांग्रेस पार्टी से, आप क्या उम्मीद पे आपने इनको पद दिया है और क्या इनसे आप चाहते हैं? जी, जावेद शब्बीर खान साहब जो है, इनको ब्लॉक नंबर 9 कलवा खारीगांव विभाग, यहाँ पे इनको अध्यक्ष चुना है। इनका वहाँ पर अच्छा पब्लिक रिलेशन है, सोशल वर्क है और पुराने कार्यकर्ता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले इलेक्शन, क्योंकि डिक्लेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो खासदार उसके बाद आने वाले आमदार की के लिए भी वहाँ पर एक संगठन को मजबूत करेंगे और वहाँ पर कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होंगे आगे या कांग्रेस आघाड़ी के, उनके लिए ये अच्छा काम करने की मैं उम्मीद रखता हूँ इनसे, और संगठन को मजबूत करते हुए ये पार्टी को मजबूत करेंगे। और हमारे साथ अनीस कुरैशी साहब भी हैं, कोंकण डिवीज़न के जो हमारे चेयरमैन हैं, उनसे भी हम कुछ पूछना चाहते हैं कि अनीस भाई, आप अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को? मैं भारत के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 4.5 साल का कार्यकाल हमने भाजपा सरकार का देखा, सिवाय नफरत के, सिवाय घात के, सिवाय विनाश के कुछ नहीं हासिल हुआ। सिर्फ झूठे वादे, जुमलेबाजी में ये सरकार ने पूरा अपना कार्यकाल निकाल दिया। जो लोगों ने एक उम्मीद के साथ, अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ, 15-15 लाख के ख्वाबों के साथ जो ये सरकार को चुना था, मैं समझता हूँ अभी तो उनके होश ठिकाने आ गए होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी दावत देता हूँ, उन भक्तों से भी अपील करता हूँ कि जो पिछली बार हमने गलती की, आज हमारे सामने अवसर है। राहुल जी पूरी सच्चाई के साथ आप देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और इसका सही मायने में विकास करने के लिए कांग्रेस से जुड़िए। कांग्रेस के द्वार आप सभी भारतीयों के लिए खुले हैं, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जावेद शब्बीर खान साहब, आपको कांग्रेस पार्टी ने कलवा से अध्यक्ष बनाई है कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है और आप आगे का क्या करने वाले हैं? आप अपने एरिए में किस तरीके से आप अपना कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाले हैं, आप उसके बारे में ज़रा मुझे कुछ बताएंगे? पार्टी ने जो मेरे को पद दिया है, अनीस कुरैशी साहब और नूर खतीब साहब, तो इनका पूरा भरोसा जीतूंगा मैं और अपनी पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा काम करूँगा। पार्टी के लिए आप अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ आ जाऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।